हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील, एप्पल ने रिलीज किया एक काफ़ी बड़ा अपडेट, ये है iOS 17.2 का पब्लिक स्टेबल वर्जन। इसमें बहुत सारे फीचर्स है। कितने फीचर्स है यहाँ पे देखिए, पूरी लिस्ट है फीचर्स की, जो मैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और ये जो है काफ़ी बड़ा अपडेट है, काफ़ी मेजर अपडेट है। बीच में एक iOS 17.1.2 का अपडेट आया था, जो आप में से किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा, बट ये वाला अपडेट जो है काफ़ी बड़ा है। इसमें काफ़ी सारे नए फीचर्स है, और जब आप एक एक फीचर देखेंगे अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप डिसीजन मेक कर सकते हैं कि अपडेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर फॉलो अप वीडियो देख के भी आप डिसीजन मेक कर सकते हैं अपना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अपडेट के साइज के बारे में। तो 1.5 GB के आसपास का ये अपडेट आपको देखने मिलेगा। RC वर्जन 6-6.5 GB का था। मैंने उस टाइम पे आपको बोला था कि इसका स्टेबल वर्जन जो आएगा 1 से 1.5-2 GB के आसपास जो है आपको देखने मिलेगा। 1.5 GB का अपडेट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आपके आईफोन पे, अगर आप चला रहे थे स्टेबल वर्जन iOS 17.1.2। अगर उससे पुराना कोई वर्जन चला रहे थे तो अपडेट का साइज जो है आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अगर आपके फोन में स्टोरेज है और अपडेट डाउन इंस्टॉल कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए अगर आपको करना हो तो, क्योंकि आगे बताऊंगा क्यों करना चाहिए क्यों नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अपडेट करने से पहले मेरे आईफोन के अंदर जो iOS वर्जन चल रहा था वो था iOS 17.1.2, जो उस टाइम का पब्लिक स्टेबल वर्जन था। अवेलेबल फ्री स्पेस यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट करने से पहले मैंने चेक किया था 224 GB थी। अपडेट से पहले का बिल्ड नंबर पुराने अपडेट का था 21B101, और अपडेट के पहले का मोडेम फर्मवेयर था 1.12.02। अब अपडेट के बाद का हाल देख लीजिए, यहाँ पे 17.2 आ चुका है और यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस घट गई है। तो ये थोड़ी सी मुझे जो है कंसर्निंग चीज लगती है। आगे देखेंगे स्टोरेज बड़ी है घटी है, ओवरऑल वो चेक करेंगे। और यहाँ पे इस वाले अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है 21C62। तो अगर आप में से कोई बीटा वर्जन चला रहा था, आप देख सकते सेम बिल्ड नंबर आपको देखने मिलेगा। और इस अपडेट में आपको नया मोडेम फर्मवेयर भी देखने मिलेगा, जो है 1.22.05। दोस्तों iOS 17.2 एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, काफी बड़ा अपडेट है, और इसका जो व्हाट्स न्यू सेक्शन है हमारे इस वीडियो का, ये काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जो है एप्पल ने भर भर के दिया है। लेकिन ये फीचर्स बताने के पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि है एक्सेस नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है और बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको फर्स्ट यूटिलिटी बिल पेमेंट पे 100% तक का कैशबैक मिलता है। एवरी मंथ में 2 times जोमैटो पे 40% तक ऑफ मिलता है। 10% ऑफ मिलता है मिंत्रा पे एवरी टाइम जब आप शॉप करेंगे, ऐसे कपड़े खरीदेंगे। अमेजोन पे से इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर बिल पेमेंट करेंगे तो 5% ऑफ मिलेगा एवरी टाइम। ब्लिंकिट पे 10% ऑफ और बुक माई शो पे भी 10% ऑफ आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिल सकता है। हर 200 rupees स्पेंड करने पे आपको एक एज रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलेगा, और इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स पे अगर आप जाके खाना खाएंगे तो आपको 15% तक का ऑफ मिल जाएगा। एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड जो है ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी कि इसके लिए आपको लाइफ टाइम जो है कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं। और ये क्रेडिट कार्ड एक्सिस नियो वाला एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स में दी ओनली वन क्रेडिट कार्ड है जो लाइफ टाइम फ्री है। लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को जो ऑफर है ये 31 December तक ही वैलिड है, तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में दिए हुए लिंक से इस क्रेडिट कार्ड के लिए साइन अप कर लीजिए। गाइस, iOS 17.2 में बहुत सारे नए फीचर्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेजर अपडेट है। और इसमें जो एक बड़ा फीचर आया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो है जर्नल एप्लीकेशन। तो जर्नल एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में एप्पल ने अपने WWDC इवेंट के अंदर मेंशन किया था। अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने फिलहाल एक ही एंट्री किया है, क्योंकि अभी नया नया आया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ऑल एंट्रीज फोटोज के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ही एंट्री है तो यहाँ पे यही दिखाते रहेगा। ओके, अब यहाँ पे जो एंट्री है, न्यू एंट्री करना है तो यहाँ पे प्लस पे टैप कीजिए और आपको ये सजेस्ट करेगा, और ये प्राइवेट सजेशन होंगे, और जो आप चूज करते हो लिखने के लिए उसके बारे में यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकता है आपको। तो समझो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, तो सजेस्ट करेगा कि आपने आउटडोर वॉक ली थी उसके बारे में आप बताइए, या फिर आपके साथ इस हफ्ते में क्या कुछ अच्छा हुआ वो लिखिए, या फिर आप किसी चीज के बारे में क्यूरियस हो वो लिखिए, या आपको किसी ने एडवाइस दिया, समझो मैंने कुछ एडवाइस दिया तो वो लिखिए। आप फिर यहाँ पे रिसेंट पे टैप कर सकते हैं, रिसेंटली देख सकते हैं आप कितने वॉक्स आपने लिए है। मैं रात में वॉक करने जाता तो वो मुझे यहाँ पे ये दिखा रहा है, मैंने किन लोगों से कॉन्टैक्ट किया वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सब सजेशन के बेस्ड पे आप एंट्रीज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या है, जैसे हम पहले बचपन में डायरी लिखा करते थे, पुराने जमाने में डायरी लिखी जाती थी, यहाँ पे डेली के एक्सपीरियंसेस और जो है जो कुछ हमको मालूमात हासिल हुई है वो लिखते थे, वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं इस नाइट वॉक के बारे में मैंने यहाँ पे टाइप किया, एक फोटो लगाई है, या फिर आप ऑडियो भी सेव कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लिखने में बोर होता है, बस एक ऑडियो पे आप जो है यहाँ पे सारी एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको एडिट करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे टाइप कर दिया, अब मुझे यहाँ पे ऑडियो एड करना, तो इस पर टाइप करूंगा, टैप टू रिकॉर्ड पर टाइप करूंगा, रिकॉर्ड कर रहा है कि हाँ मुझे बहुत मजा आया था, मुझे ऑक्सीजन मिला था, ये मिला था, वो मिला था, और फिर उसके बाद स्टॉप कर दूंगा।
मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मतलब कौन लिखेगा, बोर होता है, हटाओ इसको। तो यहाँ पे इसलिए आप ऑडियो दे दिया इन्होंने। उसी चीज यहाँ पे आप फोटोज ऐड कर सकते हो, जो फोटोज आपने लिए थे उस टाइम पे, या कभी कभी फोटोज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उस टाइम पे कोई फूल का फोटो आपने लिया था, कुछ होगा, ऐड कर दो। लोकेशन ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप कैमरा ओपन करके इंस्टेंटली फोटो लेके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बुक मार्क कर सकते हो इसको। साथ ही यहाँ पे और सजेशन भी आपको चाहिए इस पोस्ट से रिलेटेड, इस आपकी जर्नल एंट्री से रिलेटेड, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। आप बोलेंगे भाई अपनी सब प्राइवेट कहानी जर्नल एप्लीकेशन लिखेंगे तो घर वाले देख लेंगे, तो घर वाले ना देखे इसलिए यहाँ पे आपको फेस आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो फेस आईडी से जर्नल भी आपका लॉक हो जाता है। देखिए बाहर निकलता हूँ, जर्नल एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, देखिए अब इसको किल कर देता हूँ, फिर से जर्नल एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे फेस आईडी मुझे लगानी पड़ेगी तभी ये ओपन होगा। और आपकी जो जर्नल की एंट्रीज है वो सब आईक्लाउड में सेव भी रहेगी और एनक्रिप्टेड भी रहेगी। इस अपडेट के अंदर आपको सेटिंग्स के अंदर जनरल में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको कवरेज की जगह पे एप्पल केयर एंड वारंटी का ऑप्शन देखने मिलेगा। इस पे टैप करके आप अपनी वारंटी चेक कर सकते हैं फोन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे इस फोन की और बाकी के डिवाइसेस की जो वारंटी है यहाँ पे मुझे साफ दिखा रहा है। ये जरा साफ साफ जो है लोगों को समझ में आने वाली लैंग्वेज में यहाँ पे एप्पल ने लिखा है एप्पल केयर एंड वारंटी। अभी आगे चेंज भी कर सकता है, लेकिन कवरेज की जगह ये अगर लिखे तो ज्यादा अच्छे से लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ अमेरिका, यूरोप या यूरोप में उन कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहीं पे लोग आईफोन इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे कंट्रीज में करते, सबको समझ में आनी चाहिए बात। अगर आपके पास आईफोन 15 प्रो या प्रो मैक्स है तो उसमें आपकी सेटिंग में होता है एक्शन बटन का ऑप्शन, और एक्शन बटन की जो सेटिंग्स होती है उसके अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ चुका है जो है ट्रांसलेट का। अब अगर ट्रांसलेट के ऑप्शन को मैं यहाँ पे इस पे रख दूं एक्शन बटन के ऊपर, बाहर निकल जाओ, तो जब भी मैं अपने एक्शन बटन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। एक बार मुझे लैंग्वेज जो है डाउनलोड कर लेनी है, जैसे ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश, यूएस, जर्मन वगैरह ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर रहा है। मैं चाहूं तो इसको स्टॉप या डिलीट कर सकता हूं। समझो मैं दुबई गया या जहां पे गया मैं कोई अरबिक कंट्री में जहाँ पे मुझे अरबी बोलने नहीं आती, तो मैं अरबी जबान को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, चाइनीज को डाउनलोड कर लूंगा, और जैसे ही अरबिक जबान डाउनलोड हो जाएगी तो ये ऑफलाइन अवेलेबल रहेगी, तो इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं मुझे ट्रांसलेट का इस्तेमाल करने के लिए। और इसमें से देख सकते हैं आप कौन से लैंग्वेज आपके काम की वो आपको नजर आ जाएगी। अब मैं जब यहाँ से बाहर आ गया और यहाँ पे मैंने ये बटन प्रेस करके रखा तो यहाँ पे इंग्लिश में सुन रहा है और स्पेनिश में ट्रांसलेट कर रहा है। तो कुछ बोल के देखते हैं। हेलो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पैनिश में रिजल्ट आ गया है, और यहीं से मैं इसको प्ले करके सुन भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आवाज बढ़ा देता हूँ अपने फोन की। Hola, por favor, suscríbete a mi canal. तो देखिए यहाँ पे स्पैनिश भी बुलवा सकते हैं आप इससे। लेकिन इसके अंदर मुझे एक इशू नजर आया कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट के अंदर ऑन डिवाइस मोड को ऑन रखता हूँ तो ये उसके बाद जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। मुझे बोल रहा है कि डाउनलोड कीजिए और लैंग्वेजेस को। तो अभी फिलहाल जो है मुझे लग रहा है थोड़ी सी गड़बड़ है, या अगर आपको पता है इसका सलूशन तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। अगला अपडेट भी एप्पल ने आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स से रिलेटेड किया है इस अपडेट में, जहां पे आपके कैमरा के अंदर जो टेलीफोटो जूम लेंस है, जैसे प्रो मैक्स में आता है 5x और प्रो में आता है 3x, इसके अंदर जो स्मॉल फार अवे ऑब्जेक्ट्स होंगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसकी जो फोकसिंग स्पीड है वो फास्ट होगी। तो ये चीज देखना पड़ेगा, और जब मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा इसका, इस वाले अपडेट का, उसके अंदर आपको ठीक से ये चीज चेक करके बताऊंगा कि फोकसिंग स्पीड जो है वो इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है जब हम टेलीफोटो जूम लेंस इस्तेमाल करते हैं। आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर ही एक और अपडेट कैमरा से रिलेटेड आया है इस अपडेट में। यहाँ पे कैमरा की सेटिंग्स में आप अगर चले जाते हो और फिर जाते हो आप फॉर्मेट्स के अंदर, और फॉर्मेट्स में नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो कैप्चर के अंदर आपको एक नया मोड देखने मिल रहा है जो कि है स्पेशल वीडियो फॉर एप्पल विजन प्रो। तो विजन प्रो भी आया नहीं है, अगले साल आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका जो आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स का कैमरा है वो रिकॉर्ड कर सकता है डेप्थ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो कि स्पेशल वीडियो होगी, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आईफोन को आपको लैंडस्केप मोड में रखना पड़ेगा। और ये वीडियो जो रिकॉर्ड होगी ये 30 FPS वाली वीडियो होगी और 1080p पे रिकॉर्ड की जाएगी। अब जब हम कैमरा में आ जाते हैं और अपने आईफोन को रख देते हैं लैंडस्केप में, तो यहाँ पे जो है स्पेशल वीडियो का ऑप्शन हमको दिखाया गया। देखिए चश्मा आ गया यहाँ पे, जहाँ पे अपना मैक्रो आता है, और यहाँ पे आप स्पेशल वीडियो ले सकते हैं। लेकिन क्या इसका हम रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं? तो नहीं, HD में ही रिकॉर्ड करेगा और 30 FPS पे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और जब लैंडस्केप में रखेंगे तभी ये स्पेशल वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करेगा। वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड करके फायदा नहीं है, और विजन प्रो के साथ वो काम नहीं करेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड है इसका कोई काम आपको नहीं आने वाला, और विजन प्रो अगर आप लेने का सोचो तो उस टाइम आपको काम आ सकती है वीडियो। अगला जो नया फीचर आया दोस्तों वो आया है मैसेजेस के अंदर, जहां पे अगर आपके पास बहुत सारे मैसेजेस है तो आपको कैचअप एरो मिल जाता है, जहां पे आप टैप के अनरेड मैसेज पे जा सकते हो कॉन्वर्जेशन के, जो कि आपको टॉप राइट कॉर्नर पे देखने मिलेगा। अभी मैसेजेस यहाँ पे देख सकते हैं कोई है नहीं, कोई मुझसे चैट करने वाला है नहीं, तो यहाँ पे इसीलिए एक ही मैसेज पड़ा हुआ है। स्टिकर्स का जो ऑप्शन है मैसेजेस के अंदर आता है आप तो जानते ही यहाँ पे, तो इसके अंदर आप स्टिकर्स में जाते हैं तो डायरेक्टली आप स्टिकर को किसी बबल पे ऊपर ले जाके इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। मतलब आपको टैप करके यहाँ पे ऐसे सेंड करने की जरूरत नहीं, सीधा जिसको जिस चीज का जवाब आपको देना है यहाँ से आपने अपना स्टिकर उठाया और यहाँ पे टैप करके छोड़ दिया या ड्रॉप कर दिया, तो स्टिकर जो है उसके मैसेज के ऊपर चिपक जाएगा। इमोजीज का अगर आप इस्तेमाल करते हैं मैसेज
उसके अंदर तो आप बॉडी टाइप भी चूज कर सकते हैं, मतलब कमर कितनी चौड़ी चाहिए। तो मेरा पेट बाहर निकला हुआ है तो मैं यहाँ पे मोटी कमर ले लूंगा, छाती जो है वो मेरी बाहर निकली भी नहीं है तो इतनी पतली ले लूंगा, और शोल्डर जो है मेरे चौड़े तो ऐसे ले लूंगा। इस टाइप की आप कस्टमाइज बॉडी भी बना सकते हैं, आर्म्स आपके मोटे हैं तो इस तरीके से ले सकते हो। इस टाइप पे आपका एक कस्टम इमोजी जो है विद बॉडी आपको देखने मिल सकता है आई मैसेज के अंदर। और इसके साथ आपको मैसेजेस के अंदर कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने मिल रहा है, जो ऑटोमेटिकली अलर्ट देगा और कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन कोड देगा टू वेरीफाई पीपल जिनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजिटल थ्रेट्स है, और उनसे जब आप मैसेज करते हो तो आपको श्योर हो जाए कि उनसे ही आप बात कर रहे हो। और सेटिंग्स के अंदर भी आपको कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, तो आप इसको टर्न ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेटअप कर सकते हो, ताकि अगर समझो मेरे जैसे आप कोई हो जिसके पास बहुत सारे डिवाइसेस है और सामने वाला आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि आपसे बात करने वाले को पता चले कि आपसे ही बात कर रहा है, पता चला ऑफिस में आपने फोन छोड़ के गए आपके या मल्टीपल डिवाइसेस छोड़ के गए और कोई और ही आप बन के किसी और से बात कर रहे हैं आपके पहचान वालों से। इन कॉन्टैक्ट की वेरिफिकेशन को इस्तेमाल करने के सभी डिवाइसेस आपके जो है लेटेस्ट iOS के ऊपर या macOS के ऊपर अपडेटेड होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनमें से आई मैसेज को आप साइन आउट कर दो। अगला जो फीचर आया दोस्तों वेदर एप्लीकेशन के अंदर आया है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। प्रेसिपिटेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरे दिनों का कितना प्रेसिपिटेशन होने वाला है, बारिश होने वाली है, बर्फ आने वाली है आज के दिन और अगले 10 दिन तक, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं मुंबई में अभी कोई भी बारिश के चांस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे रेन और स्नो और विंटरी मिक्स स्लीट ये सारे ऑप्शन दिए हुए, तो ये भी अच्छी चीज है। यहाँ पे हार्श वेदर होता है या बारिश का सीजन है उस टाइम पे जो है काफी काम आ सकता है। और इसी से रिलेटेड नया विजेट भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे नेक्स्ट आर प्रेसिपिटेशन वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, डेली फोरकास्ट देखने मिलेगा, सनराइज सनसेट का टाइम और करंट कंडीशन सच एज एयर क्वालिटी, कैसा फील हो रहा है, विंड स्पीड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी इस वाले विजेट के अंदर। तो बार बार वेदर एप्लीकेशन खोल के देखने की जरूरत नहीं है। और आपको विंड मैप भी जो है देखने मिलता है, जहाँ पे आप इससे क्विकली एक्सेस कर सकते हो विंड पैटर्न्स को और एक्सेस कर सकते हो एनिमेटेड विंड मैप को, जो आपको प्रिपेयर करेगा अगले 24 घंटों के लिए। और ये नए अपडेट में आपको एक इंटरैक्टिव मून कैलेंडर भी देखने मिलता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पे दिन बदलते जा रहा हूँ मून की पोजीशन और यहाँ पे ये सारी चीजें जो है आपको ये एनिमेटेड मून कैलेंडर से देखने मिल जाएगी। इस अपडेट में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी है, जो नए फीचर्स आप बोल सकते हो, जैसे सीरी को आप बोल सकते हो हेल्थ डेटा लॉग करने के लिए, वहां पे जाके आपको हेल्थ में लॉगिंग करने की जरूरत नहीं है हेल्थ डेटा को इंडिविजुअली। और एयरड्रॉप के जरिए से आप मूवी टिकट्स बोर्डिंग पासेस अगर आप वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हो तो वो भी शेयर कर पाएंगे, जो भी एलिजिबल रहेगा वो पास को पर्टिकुलर आप कॉन्टैक्ट शेयरिंग जैसे करते हैं, नेम ड्रॉप करते हैं, वैसे दो आईफोन को नजदीक लाके हम शेयर कर सकते हैं। एप्पल म्यूजिक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि म्यूजिक सुनता ही नहीं, लेकिन फेवरेट सॉन्ग की प्लेलिस्ट जो है वो आप बना सकते हैं एप्पल म्यूजिक के अंदर, और उन प्लेलिस्ट के अंदर जो सॉन्ग्स को आप फेवरेट करके मार्क करेंगे उस पर आप क्विकली जा सकते हैं। लिस्टिंग हिस्ट्री जो एप्पल म्यूजिक की है वो डिसेबल कर सकते हैं फोकस में, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लीप फोकस है और मुझे यहाँ पे लिस्टिंग हिस्ट्री को जो है डिसेबल करना है, एनेबल करना है, ये मैं कर सकता हूँ इसके अंदर। और इससे क्या होगा, अगर ये लिस्टिंग हिस्ट्री को यूज करेगा स्लीप फोकस के अंदर, तो यहाँ पे समझो अगर ये यूज करता है तो इफ म्यूजिक इज प्ले इट विल इन्फ्लुएंस रिकमेंडेशन, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि म्यूजिक अगर प्ले हुई तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी इस लिस्टिंग हिस्ट्री के रिकमेंडेशन से, और इस फोकस के अंदर जो रिकमेंडेशन आएंगे आपकी लिस्टिंग हिस्ट्री से आएंगे एप्पल म्यूजिक की। और एक नया डिजिटल क्लॉक का भी विजिट जो है यहाँ पे एप्पल ने इस वाले अपडेट में एड किया है। अपने आईफोन में अगर आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो यहाँ पे ऑटो फिल का ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। अब ये पीडीएफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट जहाँ पे नेम मोबाइल नंबर ये सारी चीजें होती है आपको फिल करना होता है, तो ऑटो फिल आप कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट में जो कुछ स्टोर रहता है, अपना नाम मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा। कीबोर्ड्स के अंदर न्यू कीबोर्ड्स एप्पल ने ऐड किया, अपने काम के नहीं है इंडिया में, लेकिन ये जो सेमी लैंग्वेज है या सामी है मुझे ठीक से प्रोनाउंस कर नहीं आता, तो ये इनके जो है 8 नए कीबोर्ड्स एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है। आई मैसेज के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टिकर्स जो है लोग आपको भेज सकते हैं, आप उनको भेज सकते हैं, लेकिन इसमें सेंसिटिव कॉन्टेंट भी हो सकता है, यानी कि न्यूड पिक्चर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज जो है यहाँ पे आपको वॉर्न की जाएगी। और अनएक्सपेक्टेड इस टाइप के स्टिकर अगर आपको भेजता है तो वो स्टिकर आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं जाएंगे और वो प्रिवेंट करेगा, मतलब न्यूडिटी वगैरह है तो उसको रोकेगा वो। आईफोन 13 और आईफोन 14 जो मॉडल्स है उनके अंदर G2 वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट जो है वो आपको देखने मिलने वाला है इस अपडेट के बाद। और BMW कार अगर आपके पास है तो कुछ BMW कार्स में आईफोन जब चार्ज पे लगाते तो वहां पे वायरलेस चार्जिंग सही से काम नहीं करती, इनफैक्ट इसकी जो NFC चिप है गर्म होकर खराब हो जाती थी, तो ये भी प्रॉब्लम एप्पल ने इस वाले अपडेट में सॉल्व किया है। iOS 17.2 के अंदर क्या कुछ नया है ये तो आपने देख लिया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जिन पे हमको बात करनी है। इस वाले अपडेट को मैंने इंस्टॉल किया कुछ ही देर पहले और इतना जल्दी मैं इसकी बैटरी लाइफ पे कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन बैटरी हेल्थ चार्जिंग में जाएंगे तो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारे फोन की 100% में मेंटेन्ड है, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन में मैंने 80% की लिमिट लगा के रखी, आप भी लगाइए। चाहे तो बैटरी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो भी बना के आपको बताऊंगा कैसे रख सकते हैं, हर साल मैं बनाता हूं वीडियो तो इस साल भी बना देंगे। iOS 17 से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देंगे, लेकिन आप मेरी बैटरी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं। मुझे अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही अभी यहाँ पे देखिए बताना बहुत
ही मुश्किल है। 3 से 4 दिन इसको इस्तेमाल करूंगा 100% चार्ज करके, फिर 0 पे लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कितनी देर में कितनी जो है चली है, कितनी बैटरी लाइफ हमको हमारे फोन ने निकाल के दिया है। लेकिन अच्छी बैटरी लाइफ हमारा फोन हमको निकाल के दे रहा है, जो कि मेरा 15 प्रो मैक्स। लेकिन इस वाले अपडेट में क्या होने वाला है उसके लिए आपको फॉलो वीडियो का वेट करना चाहिए। रही बात दोस्तों नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू की, तो देखिए अभी अपडेट को इंस्टॉल किए घंटा भी नहीं हुआ है, आप शायद 2-3 घंटे के बाद देखेंगे, मुझे इस्तेमाल किए जो है इसको 1 घंटा ही हुआ है और अभी नेटवर्क के बारे में बोलना जो है मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर आया है तो मैं इसको चेक करना टेस्ट करना जरूर चाहूंगा और उसके बाद ही आपको इसके बारे में कुछ बता पाऊंगा। अब जो चीज मुझे कंसर्न कर रही थी वो था स्टोरेज, स्टोरेज घटा क्यों, क्योंकि कभी कभी घटता है लेकिन फिर से आ जाता है वापस, तो यहाँ पे मेरा कंसर्न उतना बड़ा नहीं क्योंकि 5 GB घटा है और ये वापस भी आ जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में चलते हैं और यहाँ पे नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका रीजन है, सिस्टम डेटा जो है 25 GB हो चुका है, जो कि आप देखेंगे 3 से 4 दिन के बाद जब मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह वो 1 GB 1.5 GB पे आ जाएगा, जो कि हर बार मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ और अपडेट करता हूँ उसके बीच का फर्क जो है उतना ही रहता है, 25 GB चला जाता है, फिर उसके बाद जब मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूँ तो 1.5 GB पे आता है, सेटल हो जाता है और मेरी जो गई भी स्टोरेज है वो वापस आ जाती है, कभी कभी बढ़ भी जाती है। तो स्टोरेज रिलेटेड कोई बग मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं एज सच, लेकिन फिर भी आपके फोन में थोड़ा स्टोरेज कम है, मेरा तो 1 TB वाला वेरिएंट है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं मेरे रिव्यू वीडियो का और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। अब बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, देखिए अभी मैंने जो इंस्टॉल किया इस iOS वर्जन को, एप्स अपडेट कर लिया स्टोर में जाके, अभी हो सकता है वीडियो बनाते बनाते एक दो अपडेट्स और भी आ गए होंगे, चेक कर लेते एक बार, ये कभी भी आप चेक कर लेना, देखिए अमेज़न का अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए और यहाँ पे अपडेट करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके एप्लीकेशन सही से काम करेंगे, मेरे तो कर रहे हैं अभी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब कल यूज करूंगा, कुछ जो अपने स्टॉक मार्केट वाले एप्लीकेशन है वो, बैंकिंग एप्लीकेशन है वो, तब आपको अच्छे से मैं रिप्लाई जो है दे पाऊंगा कि कैसा है रिजल्ट, क्या निकल के आया। ओवरऑल अभी फिलहाल जो परफॉर्मेंस है वो ठीक लग रहा है, जनरल परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अभी यहां पे मैं आपको Geekbench के रिजल्ट्स बता देता हूं क्योंकि इससे हमको एक अंदाजा हो जाता है कि भाई परफॉर्मेंस घटा है या बढ़ा है। तो सबसे पहले चलते हैं सीपीयू स्कोर की हिस्ट्री के अंदर, जो मैंने अपडेट से पहले ली थी, मतलब पिछले वाले अपडेट के टाइम पे 2911-7134 सिंगल और मल्टी कोर का सीपीयू स्कोर था और आज देख सकते हैं सीपीयू स्कोर में मल्टी कोर स्कोर जो है 300 पॉइंट से बढ़ गया है, तो यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अच्छा ही है ये अपडेट और ये अपडेट के अंदर पहले जैसे स्कोर जो है फिर से देखने हमको मिल रहे हैं, जो कि पिछले अपडेट के अंदर कम हो गया था थोड़ा। और रही बात जीपीयू बेंचमार्क्स की, तो जीपीयू हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको, 27,222 था पिछले अपडेट के अंदर, उसके पहले देख सकते हैं 27,300 से लेके 400 के बीच में वेरी कर रहा था, तो अभी फिर से 350 पे आ गया, तो अगेन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि परफॉर्मेंस में आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत आने वाली है, अगर गेमर हो तब भी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं हो तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस अपडेट में परफॉर्मेंस रिलेटेड फिर भी, लेकिन ऐप क्रैशिंग वगैरह के बारे में रिपोर्टिंग में करूंगा आप लोगों को। इसके साथ साथ दोस्तों एप्पल ने WatchOS 10.2 भी जो है पुश किया है और इसमें काफी सारे नए फीचर्स इन्होंने मेंशन किए हैं, जो अगर मैं कोशिश कर सकता हूं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाने का अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास एप्पल वॉचेस है नहीं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो एक छोटा मोटा वीडियो या फिर एक शॉर्ट वीडियो के जरिए से, जिसको रील कहते हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे शॉर्ट होते हैं, वो बना के मैं आपको बता दूंगा कि क्या कुछ इसमें नया आपको देखने मिल सकता है। और अगर आप आईपैड यूजर है तो आपके लिए भी नया आईपैड OS 17.2 आपको देखने मिलेगा विद सिमिलर फीचर्स जो आपके आईफोन पे देखने मिलेंगे, जो आईपैड पे एप्लीकेबल है वो सारे फीचर्स, और आईपैड आईफोन मैकबुक से रिलेटेड एक एप्पल इकोसिस्टम का वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए कल परसों में, आपको देखने मिलेगा, उसको जरूर देखना, एप्पल इकोसिस्टम में क्या कुछ हो सकता है आपको जरूर समझ में आएगा उस वीडियो के अंदर। तो ये थी कहानी दोस्तों iOS 7.2 की, अभी मैं आपको बोल देता हूं कि अपडेट आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि इमीडिएटली कभी भी मैं नए अपडेट्स को करने के लिए आप लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं, खास करके उन लोगों को जिनके फोन जो है वारंटी में नहीं है। देखिए ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है, आपका फोन डेड हो सकता है, आपके फोन का स्पीकर खराब हो सकता है, माइक खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीजें होती है लोगों के साथ, मतलब ये झूठ नहीं है, ठीक है, मैं भी इसको एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन एप्पल नहीं करता एक्नॉलेज। और ग्रीन स्क्रीन वगैरह से रिलेटेड आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट आउट ऑफ वारंटी देखने फिलहाल नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू फोन्स, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना और जब मैं इसका फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा उस टाइम पे थोड़ा टेस्ट वगैरह करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और अगर वारंटी में है भी तब भी आप क्यों अपना एक्सपीरियंस खराब करना चाहते, ऐसे कोई यहाँ पे वल्नरेबिलिटी या बहुत ज्यादा कुछ जो है बड़ा इशू फिलहाल तो हमको देखने नहीं मिल रहा है, हो सकता है कोई न्यूज आए इससे निकल के, उसके बाद मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा, लेकिन 2-3 दिन का टाइम मुझे दीजिए, मैं अच्छे से आपको इसका रिव्यू वीडियो बना के देता हूँ। तब तक के दोस्तों अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है तो दूसरे लोगों को कमेंट सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, और आपने अगर कर दिया और मुझे आप कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे लिख के बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, गुड बाय।